अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है भारत से सुमित पीर जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया और बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, बड़े तैयार तैयार हैं। और आज जैसा कि दशहरा है तो सबको सबको हैप्पी दशहरा, सबसे पहले सब लोगों को बहुत मुबारक हो। और हम सुमित जी से पूछेंगे कि ये क्या होता है और इसमें किस तरह से आप लोग फेस्टिवल को मनाते हैं। और थोड़ा बहुत शायद फिल्मों में मैंने देखा है कि वो रावण को शायद जलाते हैं और वो इंडियन मूवीज में अक्सर मैंने वो सीन देखे, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दूसरे लोग भी नहीं समझते और मैं भी नहीं समझती। लेकिन ये कि मैं आज आपसे समझना चाहूंगी कि ये फेस्टिवल कैसा होता है और क्यों मनाया जाता है। देखिए आरजू जी, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दशहरा और विजयदशमी टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए ये जो इसका जो अगर मैं समझाने लगूँ तो बहुत लंबा विषय, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको शॉर्ट में, ब्रीफ और अप टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा 10-15 मिनट में। देखिए विजय दशमी या दशहरा क्या होता है, इसमें दो उपलक्ष्य, दो इसके यू नो रिलीजियस सिमिलेंसेस हैं। एक तो ये है कि जी इस दिन महिषासुर नाम का एक दानव था, एक राक्षस था, जिसका माँ दुर्गा ने वध किया। दूसरा इसके आज के दिन जो होता है, जब रामायण की बात करें तो आज शाम को जब रावण, आपने जो देखो रावण जलाते हैं, उसमें कल और आज की रात के बीच रावण का वध किया था श्री प्रभु श्री राम ने और उनका दाह संस्कार किया। अब ये इसमें जो है, अब ये बोलेंगे भाई इसमें ऐसी क्या बात है कि हर साल इसको लगाते हैं, हर साल रावण जलाते, तो मतलब ऐसा इसमें क्या, ये बट नेचुरल सा क्वेश्चन बनता है जिसको हिंदुइज्म के बारे में नहीं पता। देखिए रावण का अगर आपने देखो कई सारे सर लगे, उसके 10 सर होते हैं रावण के। अब मान्यता ये है अर्जुन जी कि रावण बहुत बड़ा शुभ भक्त था, बट जब उसके पास पावर्स आ गई, सिद्धि आ गई, तो उसमें बहुत ज्यादा अहंकार आ गया, मतलब एरोगेंस आ गई। तो 10 चीजें जो मानी जाती है जो आदमी के पतन या विनाश का कारण होती है, जैसे मोह, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, आलस, तो ऐसी 10 चीजें गिनाई जाती है। वो जो 10 सर आप देखते हैं रावण के, उन 10 चीजों को सिग्निफाई करती है। अब उसे रावण को क्यों जलाया जाता और उस दिन ये क्यों मनाया जाता है? एक तो भाई हम कहते हैं भाई प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, अच्छाई पे बुराई की, जो अच्छाई ने बुराई को हराया था, जो अच्छाई जीती थी बुराई पे, पहले उसको प्रतीक करते। यहाँ मुद्दे की बात यह है, राम भी शिव भक्त थे और रावण भी शिव भक्त थे, पर एक गलत दिशा में चले गए थे और एक धर्म की दिशा पे। और जो रावण के 10 सर है वो है उसके जो 10 अवगुण हम में, आप में, किसी भी आदमी में आ जाते हैं। तो हमें ये उस दिन बार बार जो रिमाइंड किया, एक तो बॉलीवुड वाला वर्जन छोड़िए, जो धार्मिक वर्जन है वो ये कहता है भाई ये जो आपके 10 अवगुण है जो मैंने आपको बताया, 6 बताए थे, तो ऐसी 4 और हैं, आपको इनको कैप्चर करना। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीतनी है, अगर आपको प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है, और अगर आपको इस वर्ल्ड में आके वर्ल्ड और इकोनॉमी, इकोलॉजी और जो भी हम मानवता कहते हैं, अगर आपको उसको कंट्रीब्यूटर बनना है। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं, एक तो जी जो कुछ सिर्फ ले रहे ले रहे ले रहे, दूसरे हैं कि ले रहे थोड़ा बहुत दे रहे, तीसरे हैं कि जो लेते कम है देते ज्यादा है। तो उनको हिंदुइज्म में 3 कैटेगरियों में क्लासिफाई किया गया। अभी कहने का मतलब है भाई आप अगर इन 10 चीजों पर कंट्रोल कर लो, मैंने आपको बताई, इससे आप एक बहुत प्रोडक्टिव श्रेणी में आ जाओगे, 3rd कैटेगरी में आओगे जहां लेते कम हो देते ज्यादा हो इस दुनिया में। और यही धर्म कर्म का सारा जो गणित है हिंदुइज्म में, धर्म कर्म है कि आप देखिए। और कर्मा अब ऐसा वर्ड है आरजू जी, अगर आप जाएंगे कहीं पे भी कर्मा, अब ये मैंने हर विदेशी कंट्री में पीपल स्टार्ट यूजिंग द वर्ड कर्मा, बिकॉज क्योंकि मैं तो भगवत गीता में बहुत क्लियर लिखा है, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्म। जैसे मान लीजिए आप हथियार बनाते हैं, एग्जाम्पल, आप हथियार बनाते हैं, आप हथियार बेचते हैं, तलवार बेचते हैं। अब ये तलवार आपके पास एक चोर आता है लेने और एक सिपाही आता है लेने, आप चोर को ये देते हैं तो आपको पता है कि वो किसी का गला काटेगा, किसी को लूटेगा, खसूटेगा, उसके लिए उसने तलवार का यूज करना। सिपाही को बेचते हो तो सिपाही देश की रक्षा के लिए उसकी यूज करेगा, अदरवाइज नहीं यूज करेगा। जो तो आपके कर्म का इंटेंशन डिटरमाइंस द आउटकम। अगर आप ये सोच के दे यार ये मैं चोर, मुझे ज्यादा पैसे दे रहा है, मैं इसको देता हूँ, तो बट आपको पता उसका आउटकम क्या ना, तो आप भी वो जो पाप जनरेट होगा आप भी उसके भागीदार बनते हो, यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट। आपने जो सिपाही को दी उसने उसका प्रोडक्टिव यूज किया, देश की रक्षा के लिए उसका यूज किया, उससे कोई पाप या ऐसा कोई जनरेट नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब इस लाइफ में आते हैं कि हमें करना क्या है, कि क्या हम जिंदगी भर लेते रहे, क्या हम जिंदगी भर देते रहे, मतलब हम हाउ डू वी बैलेंस कि ले कम हो दे ज्यादा, व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। तो ये 10 चीजों के बारे में हमें विजयदशमी के दिन याद दिलाया जाता है भाई, ये 10 आपके अवगुण है या 10 आपकी बुराई है, अगर आपने इनको कैप्चर किया। और आपने ये देखा होगा कि इनको अगर आपको कैप्चर करना, अर्जुन जी ने एक और कैच है, एक साथ करना,
एक एक करके नहीं कर पाएंगे कि भाई इस साल मैंने आलस हटा दिया, इस साल मैंने मोह हटा दिया, इस साल मैंने क्रोध हटा दिया, इस साल मैंने काम हटा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। या तो आप एक साथ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप एक को कैप्चर करोगे वो वापस आ जाएगा। इसलिए यू हैव टू अटैक देम एंड किल देम वन गो। इसका धार्मिक और इसका जो हिस्टोरिकल रेलिवेंस है ये है। दूसरी है, ये आता है नवरात्रों के बाद। अब हिंदुइज्म में जो फीमेल है, जो फीमेल्स हैं, हम उनको माता मानते हैं, आदिशक्ति। आदिशक्ति इज द मदर गॉडेस, जिससे सारी शक्ति पीढ़ी है, सारी जो देवी है उनसे उत्पन्न हुई है, आदिशक्ति उन्हें कहते हैं। तो आदिशक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। दुर्गा पूजा, या मैं नवरात्रि की बात करूँ आरजू जी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ दमन से लेके थिम्पू तक, ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे यहाँ नॉर्थ में तो इसको नवरात्रि कहते हैं, अब आप ईस्ट की तरफ जाए तो इसे दुर्गा पूजा कहते हैं, तो तमिलनाडु में इसका एक और नाम है, गुजरात में भी इसको दुर्गा पूजा ही कहते हैं, वहाँ गरबा वरबा होता है, तो मनाने के तरीके अलग है। पर ये नौ दिन बहुत सेक्रेट होते हैं, और इसमें आदिशक्ति है, जो माँ, जो फीमेल गॉडेस है, जिसको मैं कहूँगा फीमेल गॉडेस की वर्शिप होती है। हिंदुइज्म में फीमेल्स की बहुत बड़ी मान्यता है, मतलब इट्स द रिलीजन विच गिव्स मेल एंड फीमेल इक्वल स्टेटस। जितने मेल गॉड्स है उतनी ही फीमेल गॉड्स है और गॉडेसेस भी है, तो फीमेल्स का एक बहुत बड़ा स्थान है। और आपको कोई भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ आपको माँ भगवती की प्रतिमा ना मिले। तो वर्शिपिंग ऑफ फीमेल्स एज अ गॉडेस एंड फीमेल गॉडेस, जिसको माता कहते हैं, उसका भी एक सिग्निफिकेंस। सो कल नवरात्रि खत्म हुई और आज ये विजयदशमी का पर्व आता है, तो इसके दो रेलवेस थे, तो मैंने महिषासुर वाला आपको बताया, और जब श्री राम ने रावण का वध किया था और अच्छाई ने बुराई पे जीती थी। और ये हमें हर साल हम रावण को क्यों जलाते, हमें ये दिलाए पता है ये आपकी 10 बुराई है, अगर आप इसको कैप्चर करो, अगर आप इनको जला पाओ, अगर आप इनको खत्म कर पाओ, यू विल बी अ वेरी प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स द योर फैमिली, योर कंट्री, कम्युनिटी एंड द ह्यूमैनिटी एज सच। बिकॉज सनातन तो वसुदेव कुटुंबम की बात करता है, सर्वे संतु निरामया की बात करता है। और एक और चीज आप आरजू जी, मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, जिसे काफी को पता होगा, आप कोई भी किताब उठाइए सनातन में, इसमें वर्ड हिंदू का वर्णन ही नहीं है, वर्ड हिंदू लिखा ही नहीं है कहीं, इसमें लिखा है मानव। मानव मीन्स ह्यूमैनिटी, सो द टीचिंग्स आर टू ह्यूमैनिटी। इसमें हिंदू तो बहुत बाद में है, कई सौ साल पहले वर्ड आया, बट सनातन आज साइंटिफिकली प्रूव्ड है, 24,000 साल पुराना है। 24,000 साल पहले जब ये किताबें लिखी गई, जब ये होली बुक्स लिखी गई, तो मैं साधारण लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूँ, नॉट टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, जब भी होली स्क्रिप्ट लिखे गए इनमें हिंदू वर्ड था ही नहीं। सो द टीचिंग्स वर ऑलवेज टू ह्यूमैनिटी। इसीलिए जो कई बार लोग कहते हैं हिंदुत्व वगैरह, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया का कहता है हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। आप मुसलमान बाई रिलीजन हो सकते हैं, बट बाई कल्चर यू कैन प्रैक्टिस हिंदुत्व। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं बाई रिलीजन, बट बाई कल्चर यू कैन प्रैक्टिस हिंदुत्व। जैसे योगा है, योगा इज अ पद्धति ऑफ हिंदुत्व, मेडिटेशन इज अ पद्धति ऑफ हिंदुत्व। आपको मैं एक और चीज बोलूँ, आज ये भाई बजी हमारे ना विदेशों में बड़ा चला वेगान, वेगान वट इज वेगान, वेगान इज वेस्टर्निज्म, उसने उसका हमने नाम बदल दिया, उसको वेगान कर दिया। तो आप ये जो चीजें हैं, जो अच्छी चीजें, और हमारे जो सनातन में एक और अच्छी विशेषता है, इकोनॉमी से लेके इकोलॉजी तक वी टॉक एवरीथिंग। हम हर चीज की वैल्यू करते हैं, वाटर इज वर्शिप, सन इज वर्शिप, राइट, ट्रीज आर वर्शिप, हवा की, मतलब जो इकोनॉमी से इकोलॉजी तक जितने भी एलिमेंट्स है सबकी पूजा और सबका सम्मान किया जाता है। और माँ दुर्गा तो वो तो आदिशक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करती है और उनको हर मुसीबत, हर तकलीफ से बचाती है। और मैंने ये बोला, बहुत कम ऐसे फेस्टिवल है, जबकि इंडिया में आपको पता है काफी सारे लैंग्वेजेस है आजू जी, काफी सारे खाने की, पर ये खाने की चीजें, पहनावा अलग, बोलना अलग, सब कुछ अलग, बट ये फेस्टिवल ऐसा है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये नौ दिन आर बीइंग डिवोटेड टू गॉडेस दुर्गा। और आज विजयदशमी है कि भाई आज के दिन अच्छाई ने बुराई पर जीती थी, और अपने आप के अंदर जो रावण है, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप कितने बड़े आदमी, ये इंपॉर्टेंट नहीं आप कितने बड़े भक्त, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपके पास कितना पैसा, ये इंपॉर्टेंट नहीं आपका वर्चस्व कितना बड़ा। अगर आप में ये 10 चीजें हैं, ये अवगुण है, तो आज आपको याद किया जाता, भाई साहब, बहन जी, आप उनको कंट्रोल करो, क्योंकि इन 10 अवगुणों के होते हुए आपको उद्धार नहीं हो सकता। बस हाँ, आप जो बॉलीवुड में या टीवी में वो रावण जलाने का दिखाते हैं वो अलग है, पर वो उन 10 अवगुणों को ना गोल कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक, जाहिर है कि वो मूवीज में तो इतने डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन डेकोरेशन का कितना इसमें मैं देखती हूँ कि काफी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, और इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहा होता है, मैंने भी थोड़ी सी
कोशिश की है कि मैं भी थोड़ी लाइट लगाऊं, लेकिन साथ ही में दिवाली आ रही है तो मैंने वैसे तो खैर चिराग भी पहले भी मंगाए थे, वो मैंने दिखाए अपने ऑडियंस को, लेकिन ये इसके अंदर मेरे ख्याल एक चिराग और होना चाहिए था जो मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, लेकिन वो चिराग मिसिंग है या फिर मुझे शायद मिला नहीं है उस पैकिंग मटेरियल के अंदर ही है, जो मैं शो के बाद फिर चेक करूंगी क्योंकि अभी आपके साथ शो बनाना था। और एक ये दो इस तरह के हैं, ये बड़े वाले चिराग था फिर जो पहले थे वो छोटे छोटे थे। थैंक यू। तो मैं सोच रही थी कि ये इतने बड़ा वाला इसको थोड़ा सा पेंट भी कर दें तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो बड़ा आजकल आपको पता है कि जैसे ठंडा मौसम आ रहा है वो आ रहा है तो उसमें इस तरह के चिराग और लाइट्स और वो सब कुछ बहुत अच्छी लगती हैं। तो कैसा आपके अभी वहां पे बहुत डेकोरेशन वगैरह हुई है इंडिया में सब जगह रोड्स वगैरह पे या कहाँ पे, या जो स्पेशली जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ अक्सर जब कोई फेस्टिवल होता है तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सजा दिया जाता है, कैसा है वहाँ पे माहौल है? देखिए अभी जो अभी करीब 15-17 अगस्त के आसपास जन्माष्टमी थी, ये तब से फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, ये अब तक लगभग मार्च अप्रैल तक चलेगा, तो एक के बाद एक के बाद एक एक फेस्टिवल हमारा आता रहेगा। हमें हमारे घर में से मेरे घर में तो लाइट्स ऑलरेडी लग गई थी, और इसमें आजू जी एक जो नवरात्रे होते हैं तो एक माता की स्थापना की जाती है, कलश लगाया जाता है और माता को बोया जाता है, उसे खेतरी कहते हैं, वो जब इतनी बड़ी हो जाती है फिर उनका विसर्जन किया जाता है। उन दिनों घर में बहुत डिसिप्लिन, बहुत पूजा पाठ, कोई नॉन वेज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, व्रत क्यों रखता है, अखंड जोत जलाता, वो सब करना होता है, तो इसका काफी विधि विधान है। हर कोई नहीं कर पाता पर काफी मेरे घर में तो होता है, काफी लोग करते हैं। और हमारे घर में जी लाइटें लग गई, अब ये लाइटें उतरेंगी, अब ये हम देखिए मार्च अप्रैल में ही जाके उतरनी है, तब तक लाइटें, क्योंकि अभी फिर दिवाली शुरू हो जाएगी, अगले महीने कुछ दिन ही बच गए दिवाली में, तो अब ये फेस्टिवल चलते रहेंगे, फिर क्रिसमस आएगा, ये सब सब चीजें चलती रहेंगी। तो एक तो आपकी लाइटें बहुत खूबसूरत लग रही है और आज की बिंदी भी बहुत खूबसूरत लग रही है, मैंने कहा आपको कॉम्प्लीमेंट करूँ, तो बहुत ही उमदा लग रहे हैं, तो आप भी मनाइए, अच्छी बात है। और मैं मेरा आरजू जी मानना है अगर आप लाइटें लगाए, ये चिराग लगाए, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी भी जनरेट हो। हमारे यहाँ मानता ये है कि अगर आपका घर लेट हो, मतलब अच्छी तरह से लेट हो, लाइटें अच्छी हो, चिराग लगाइए, आप दिए लगाइए, तो माता लक्ष्मी जो गॉडेस ऑफ वेल्थ है उसकी कृपा आपके घर पे होती है, तो उनकी उनकी व्हाट यू कॉल दिस कृपा आप पे बनी रहती है। तो लाइटें लगाना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वैसी बात है नहीं, लाइटों से तो घर चमकता ही है और चमक से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती, तो इससे किसी को बुरे लगने वाली बात है नहीं, तो ये अब यहाँ चलता रहेगा और ये सब चीजें हमारे यहाँ चलेगी। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी डेकोरेट होना शुरू हो गई है, अभी देखिए अभी क्या होगा, एक और दिक्कत होगी कुछ दिनों बाद ना, दिल्ली की सड़कों पे, बॉम्बे की सड़कों, जो बड़े शहर है हमारे, दिवाली में लोग अब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे मिलना होता है, स्वीट्स देना, ड्राई फ्रूट देना, आरजू जी घंटों के ट्रैफिक जाम लगते हैं, मैं कई बार 3-3 घंटे भी ट्रैफिक जाम में फंसता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सब इस मौके में जाते हैं, सब एक दूसरे से मिलते गिफ्ट देते। लास्ट ईयर थोड़ा हल्का रहा कोरोना के कारण, लास्ट ईयर थोड़ा मतलब दिवाली कब आई कब गई पता ही नहीं लगा ज्यादा, बट इस साल अभी टच वुड कोरोना की स्थिति जो है कंट्रोल में है, और बहुत जल्दी हम 100 करोड़ वैक्सीन भी लगा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले 8-9 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा, 1 बिलियन डोजेस। तो अब लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, भाई नहीं थोड़ा कोरोना कंट्रोल में, बीच में थर्ड वेव का चक्कर भी अब कम हो गया है, तो अब मुझे मेरी जो उम्मीद है आरजू जी आपकी बाजी 4-4 घंटे के जाम लगने, क्योंकि सब जाएंगे यारों दोस्तों से, भाई भतीजों से मिलने, एक मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब आप कभी आए यहाँ तो आप देखे खुद, एक जो खुशी का माहौल होता है ना, और ये अक्रॉस कम्युनिटीज मनाई जाती है, करीब हिंदू समाज में नहीं, हर जगह ये मनाई जाती है। आप बाजार में जाइए, बाजारों में लाइटें लगी है, गवर्नमेंट की बिल्डिंगों पे लाइटें लगी, हर जगह लाइटें लगी, एक वो जो, और जो लाइट जलती है ना अर्जुन जी, जो आपके वो अट्रैक्ट करती है, आपका दिल खुश करती है, आपको लगता है लाइटें लगी, चिरागा कहते हुए, तो जब ये चिरागा होता है तो इसमें लगता नहीं यार कुछ हो रहा है, मतलब लाइटें जल रही है, दिए जल रहे हैं, लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, खाना बन रहा है, ये हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया एक माहौल ऐसा बनता है, बहुत ही खुशनुमा माहौल, अगर मैं उर्दू में बोलूं तो एक बहुत ही खुशनुमा माहौल बनता है, और किसी की भी जब आंखें उस पर जाती है, लाइट चमक ग्लेयर, दुकानों पे काम, और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी होती है, ये इकोनॉमी के लिए ये फेस्टिवल बहुत बड़ा बूस्ट होता है, क्योंकि इसमें हर कोई नए कपड़े खरीदने की कोशिश करता है, मिठाइयाँ, कोई ना कोई नई चीज खरीदता, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ तो ये भी, अगर आपको गाड़ी खरीदी तो आप कहोगे नवरात्रों में खरीदूँ, तो ये चीजें भी होती हैं, गाड़ी ना खरीद, कोई नया बिजनेस शुरू करना है नवरात्रों में कर लूँ, तो ये 8-9 दिन ऐसे होते हैं ना, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, जो करोगे वो बढ़िया चलेगा, और इस टाइम प्रॉपर्टी खरीदना, दुकानें खरीदना, शोरूमों का इनॉग्रेशन, नई नई जो भी आप नई और प्रोडक्टिव चीज करना चाहे, ये बहुत उपयुक्त दिन होते हैं एज पर हिंदू माइथोलॉजी एंड हिंदू कैलेंडर, इसमें कुछ भी कर लीजिए,
इसीलिए इसमें जो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उछाल आता है और ये सब देखा जाता है और मतलब काफी पॉजिटिव और सकारात्मक माहौल होता है पूरे इंडिया में और मतलब बहुत बढ़िया लगता है, मतलब इट्स अ फीस्ट वाइज। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है इस तरह के फेस्टिवल्स हो और सब लोग पीसफुली रहें, एंजॉय करें, और स्पेशली डेकोरेशन का मुझे वैसे ही बड़ा शौक है, तो मुझे कभी मौका लगे तो मैं फॉरेन लाइट्स वगैरह ले आती हूँ और कर देती हूँ, और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती, यहाँ पे ये लाइट्स काफी हमें सस्ते में मिल जाती हैं, अब 3-4 कलर्स ले लें वो तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है, एंड आई होप कि आप सब लोग इंजॉय करेंगे और सब लोग जो है अपना बहुत ख्याल रखेंगे, खाए पिएंगे, और बिल्कुल चॉकलेट्स खाए, मैं ड्राई फ्रूट तो ले आई हूँ लेकिन चॉकलेट्स अभी नहीं आई, चॉकलेट्स भी आ जाएंगी 1-2 दिन में, दिवाली से पहले होपफुली। आपने ऑनलाइन मंगा ली होंगी, आ रही होगा आपका कोरियर? नहीं वो मैं खुद जाके उठाती हूँ अपनी मर्जी से, मुझे बड़ा मजा आता है चॉकलेट्स खुद जो है ना खुद जाके सेलेक्ट करने में, तो इसलिए वो ऑनलाइन मैं नहीं मंगाती क्योंकि मुझे उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है, उसकी मुझे बड़ी सख्त बीमारी है कि मैं एक्सपायरी डेट चेक किया करूँ, तो वो समटाइम्स अगर आप ऑनलाइन मंगाएं तो वो फिर उसकी एक्सपायरी डेट ठीक नहीं होती, तो इसलिए मैं खुद जाके लेकर आऊंगी और फिर वो भी आपको दिखाऊंगी और हम दोबारा एक शो बनाएंगे दिवाली से पहले होपफुली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, आप यकीनन बहुत बिजी होंगे एंड यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद, थैंक यू। बस आपसे एक लास्ट चीज कहूंगा, देखिए लाइटों की कीमत इंपॉर्टेंट नहीं होती, जब दिल में पॉजिटिविटी हो ना ये कीमतें छोटी मोटी चीजें तो मैटर ही नहीं करती, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है आज आपका बैकग्राउंड और ये देखिए कितना चमक रहा है, सब लोग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे इसको, ये मेरा जरूर, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।